हम लोग आए डीमार्ट घर की ग्रोसरी के लिए। डीमार्ट जैसा वॉलमार्ट होता है इन यूएस में, वॉलमार्ट ऐसे ही डीमार्ट यहाँ का है। ये है गाइस डीमार्ट, इंडिया का मतलब कहना चाहिए मतलब वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग। नहीं नहीं, अभी यहाँ पर होली स्पेशल सामान काफ़ी सारा मिल रहा है, बहुत सारा। दो कार्ड भर लिए क्योंकि ये वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग ना। इट्स लाइक वॉलमार्ट। चल हम ब्रिन की तरफ जा रहे हैं। Let's go। यहाँ ये अच्छा होता है इंडिया में कि ना पैकेट के अलावा लूज में भी मिल जाता है, इफ यू वांट लूज देन यू कैन टेक इट। ये वहाँ नहीं होता लूज वाला। यहाँ पे स्टोर्स काफी क्राउडेड होते हैं। ये तो कम है मतलब। आज कम है। संडे आओ डीमार्ट में, सांस लेने जगह मिलेगी। लेट्स गो टू द बिलिंग। हमारा ये बहुत सारा सामान हो गया है और हमने बैग में रखवा दिया है, फिर भी बहुत सारी चीजें बाहर ही हैं। इतना तो हम गाड़ी पे ले जाने वाले नहीं है, तो हम लोग कैब बुक कर रहे हैं ताकि सामान ले जा सके और प्रियंक पे बाइक से आ जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं सागर गैरेज, क्योंकि अभी हम जब से आए हैं तब से हमने सागर गैरेज से कुछ भी नहीं खाया। और यहाँ सागर गैरेज यहाँ का बहुत फेमस वो है, लाइक वेंडर आउटलेट बोले कि जो भी है, तो सब कुछ मिलता है उसमें। फास्ट फूड को वो है आउटलेट है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बस जो फेमस है उसका सबसे ज़्यादा वो है कोल्ड कॉफ़ी सैंडविच, सैंडविच सबसे ज़्यादा फेमस है, और बाकी पनीर कुलचा और वो सारी चीज़ें। हम लोग वहीं जा रहे हैं, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे क्या लेना है। सो लेट्स गो। सागर गैरे एंड ये है सातमर वाला सागर गैरे जहाँ पे हम लोग आए हैं। एंड इसके बहुत सारे आउटलेट है, बट ये वाला सबसे ज़्यादा फेमस है आई गेस, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज वॉलेज वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो पहले जब आते थे तब तो वहाँ से वहीं से स्टार्टिंग में होता है, पहले तो ये ऊपर सिटिंग भी नहीं होता था, अब सारी चीज़ें होती है, सब कुछ है यहाँ पे, ऑर्डर होता है देन बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे काउंटर्स होते हैं इसमें, यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर मतलब अलग अलग स्लिप बना देते हैं वो। तो हमें सैंडविच लेना है, तो हमें सैंडविच का ये यहाँ पे दे रहे हैं, बिरयानी थोड़ा वहाँ पे है और कुलचा और उधर पनीर कुलचा। हाँ वो कुलचा वहाँ है कॉर्नर वाला रहेगा, ना मुझे दे दो। बिरयानी पे भी वही है, बिरयानी भी वही है। यस मैं ये पिकअप करता हूँ। हाँ ये है वेज चीज सैंडविच, ये लोग ट्रिपल ब्रेड यूज करते हैं। हाँ तो हमारा सारा ऑर्डर ऑलमोस्ट दो चीज़ें तो मैंने ले लिया है, सिर्फ सैंडविच बाकी है। अच्छा इसका टेस्ट चाहे किसी भी आप आउटलेट में चले जाओ सेम ही होता है, सागर गैरेज कोई भी सागर गैरेज में चले जाओ सेम टेस्ट है, और हमेशा से सेम टेस्ट है। वो लोग उसे मसाला बनाते हैं ये ऐसा लगाया उसने, ये लगाया चीज, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी ऑर्डर मिला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी, अनएक्सपेक्टेड था मेरे को तो, पर बहुत अच्छा टेस्ट होता है तो मज़ा आएगा, वर्थ होता है एक्चुअली वेट करना भी, बट अच्छा हुआ हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ा। लेट्स गो होम एंड ईट। ये 6 नंबर का हॉकर्स कॉर्नर, ये भी बहुत फेमस है फास्ट फूड के लिए, यहाँ पे बहुत सारे सब टाइप का फास्ट फूड मिल जाता है, ऐसे पूरा गोल उसमें ना सॉस बनी होती है। तो हमको नूडल्स लेनी थी, आई थिंक सागर गैरेज में उतनी अच्छी मिलती नहीं, तो हम लोग यहाँ नूडल्स लेने के लिए आए। देख सकते हैं पहली बार खा रही हूँ मैं तो यहाँ से कुछ, तो लेट्स सी कैसा होने वाला है। वी आर एट द डीबी मॉल, और ये यहाँ का मतलब सबसे बड़ा मॉल है, और हम लोग यहाँ पे आए हैं बोलिंग करने, सो आज मज़ा आने वाला है बहुत। और यहाँ पे कुछ हार्ड थीम है, आई डोंट नो, वैलेंटाइन में बहुत पहले गया हुआ है, कुछ अच्छा ही है। ये है डीबी मॉल, ये इसका फूड कोर्ट एरिया है, यहाँ पे मैं जा रही हूँ। दिस इज अमीबा, पहले अमीबा होता था ये, अब इसका कुछ टाइम करके नाम हो गया है। बाकी सारे ब्रांड्स यहाँ पे वही हैं, नॉर्मल मिल जाते हैं सारे ब्रांड्स। लाइक फूड कोर्ट एरिया, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सो
सब कुछ हर टाइप का खाना खा सकते हो। और मैकडी, मतलब आई लव मैकडी, और क्योंकि US के मैकडी में वेज वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं जो यहाँ पे मिल जाता है। और ये है टाइम, सो दिस इज़ द गेमिंग जोन, तो यहाँ पे अंदर बोलिंग होती है और वहाँ पे वो लोग खड़े हुए हैं मेरा वेट कर रहे हैं। लेट्स गो। तो ये लोग हैं वेट कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्कार। हेलो। चले चलो। ये है गेमिंग जोन जहाँ हम लोग बहुत साल पहले आए थे, तब इसका नाम अमीबा हुआ करता था, नाउ इट्स लिटिल डिफरेंट, ऐसा कुछ है, मज़ा आने वाला है बहुत। आज तो लग रहा है बहुत भीड़ है यार यहाँ पे, आज इंडिया में आके लगता ही नहीं है कि कोरोना चल रहा है, बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ द बोलिंग एरिया और यहाँ पे हम लोगों ने बुक कर लिया है पहले से ही, तो मज़े आने वाले हैं। अरे रवि होता तो ये बोलता क्या कर रहे हो शर्मा जी। अरे शर्मा जी क्या कर रहे हो। चलो नो स्पेयर, अब सबका चांस हो गई है, लेट्स सी क्या होने वाला है। छोटी सी बच्ची गेम खेल रही है ये वाला, और इसमें कभी पिक नहीं होता। मैंने, मेरा तो रिकॉर्ड रहा है, मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया इस पे, बट हमेशा ही पिक नहीं होता। देखते हैं वो बच्ची पिक कर पाती है नहीं, एक्चुअली उसके फादर ही पिक कर रहे हैं।
चाय पे है और इसमें मास्क वो लगाना है। गेमिंग मजा आ गया बस, है ना? वो अच्छा था, VR वाला बहुत मस्त था। फर्स्ट वाला अच्छा था, सेकंड वाला बहुत ही बकवास, ऐसा लगा था बिल्कुल आंखों के सामने चल रहा है। आफ्टर 3 इयर्स वी आर एक मैगी, क्योंकि यहाँ इंडिया में ही इंडिया वाला टेस्ट मिल जाता है, US में वो नहीं मिलता है ना। US में वैसा बर्गर नहीं मिलता जैसा हमें चाहिए होता है, वेज बर्गर नहीं होता, US में सिर्फ नॉन वेज बर्गर होता है। सो आज हम लोग खाने वाले बर्गर, फाइनली नाइस। ये मेरा है, इसमें कोई नजर ना लगाए, ये अपना है अपना। भीतर से गरम मैक पफ, इसका पैकिंग अलग हो गया अपना, पैकिंग चेंज हो गया।